हैं मटर की कचौड़ी। सर्दी के दिन हो और मटर की कचौड़ी मजा आ जाएगा। तो देखिए मैंने एकदम भूज के रख ली हूँ, इसमें सब मसाला डाल के फ्राई कर दी हूँ। फ्राई करके मैंने इधर मैदा की आज बनाऊंगी बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। तो मैं यहाँ मैदा गूंद के रख रखी हूँ और गोल गोल बना के अब मैं इसमें फिलिंग भर लूंगी। और इसके लिए मैं गोल गोल इसको बना लेती हूँ, लड्डू की तरह बनाऊंगी उसमें भरने के लिए, कि ले लेके अच्छे से भर जाएगा, फूटेगा नहीं। पूरी बनाऊंगी लड्डू, उसके बाद भरूंगी। मेरा गरम कढ़ाई हो चुकी है, अब मैं इसमें रख देती हूँ फॉर्चून रख के। ज़्यादा से रखना पड़ेगा, कम रखने से क्या होगा कि अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने बहुत सारा फॉर्चून रखी हूँ, एक पाव से ज़्यादा ही होगा। ऐसे कर करके मैं चलो, तेल एकदम बिल्कुल गर्म हो चुकी है, तो ज़्यादा गर्म में भी नहीं रखना है कि न तो जल जाएगी अब फूलेगा नहीं, तो इसलिए हल्का सा गर्म में। ऐसे ही गर्म हो चुकी है, मैं इसमें 3 पीस ही रख रही हूँ, क्योंकि तो ज़्यादा रखूँगी तो फिर फ्राई नहीं हो पाएगी। और आराम से अपना सीखते रहेंगे। हमारा कचौड़ी हो चुकी है बिल्कुल क्रिस्पी, कभी हुई नहीं है, अभी थोड़ा सा और हुईगी, और एकदम बिल्कुल दुकान जैसे है ना, जैसे दुकान पे मिलता है कचौड़ी, बिल्कुल इसी तरह है। सर्दी के दिन में मटर की कचौड़ी तो मज़ा ही आ जाएगा, तो इसलिए हमने आज मटर की कचौड़ी बनाया। और देखते हैं निकल के कैसा बन के निकलता है। देखिए बन के हो चुकी है हमारा खस्ता, एकदम मटर की खस्ता। आप लोग बताइए कमेंट करके कि हाँ कैसा बना है, बिल्कुल मस्त सी बनी है। इसमें मैं रख देती हूँ धनिया पत्ता की चटनी, बंद करो। ये हमारे खस्ता कचौड़ी रेडी, और ये देखिए धनिया पत्ता की चटनी। अभी जा रहा है सुशांत के लिए, क्योंकि सुशांत सो रहा है, तो उसके लिए बन के बस फटाफट हम जा रहे हैं सुशांत को दे रहे हैं। सुशांत आपके लिए हो चुकी है रेडी। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। देखिए एकदम बिल्कुल फूले फूली है, बिल्कुल क्रिस्पी, जैसे दुकान में बनते हैं ऐसे बिल्कुल। देखिए तो मजा आ जाएगा खा के, ठंडी का दिन है, टमाटर की कचौड़ी और धनिया पत्ता की चटनी, तो क्या बात है। हम आपको खा के दिखाते हैं कि कितना टेस्टी बना है। ये देखिए बहुत ही मस्त बना है, बहुत टेस्टी है, आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा। नए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, लाइक प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच जाए। बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।